चुनाव के बाद में ना कोई सरकार आता ना कोई कुछ आता, ये कीचड़ के कीचड़ वैसे ही रह जाता। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल CNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जवाहर है। जवाहर जी, इस वक्त बारिश का मौसम है और रास्तों पे पूरा पानी भरा हुआ है, इसे किस तरह की दिक्कत, आप करते क्या हो यहाँ पे? मैं 2002 से रहता हूँ यहाँ, रेडी लगा रहा हूँ बेल्ट और पर्स से। 2002 से मेरी उम्र है यहाँ, जो भी अभी 2019 सातवां महीना चल रहा है, मैं यहीं रह रहा हूँ, यहीं पला बड़ा हुआ हूँ। और इस कीचड़ को जो है शुरू से लेकर आज तक मैं ऐसे ही देख रहा हूँ कीचड़ को। और बारिश होता है तो हमारा दुकानदारी इतना ख़राब हो जाता कि हमारा रोजी रोटी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार इलेक्शन के टाइम पर आती है, सरकार की तरफ से लोग आते हैं, MLAs आते हैं, और उसके बाद कोई आता है इस चीज़? इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, बोलते हैं हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, चुनाव के बाद में ना कोई सरकार आता ना कोई कुछ आता, ये कीचड़ के कीचड़ वैसे ही रह जाता है। खास करके बरसात में हमें बहुत दिक्कत उठाना पड़ता है। अभी देखिए आप, मेरी दुकान ढकी पड़ी है, हम पिछले 2 घंटे से ऐसे बैठे हुए। ग्राहक तो नहीं आता है क्या? सामान भी आपका बर्बाद होता होगा पानी की वजह से? मैम अगर जो बारिश होगा तो सामान तो बर्बाद होगा होगा, बरसात के साथ में यहाँ जैसे कीचड़ जमे हो जाते। अभी मेरे को डेंगू हो गया था, अभी मैं चेकअप करवाया हूँ, मुझे डेंगू हो रखा, अभी भी मेरा प्लेट कम है, मेरी दवाई चल रही है। घर पर पानी, पीने के पानी के लिए आप क्या कहेंगे, क्या ये बारिश के पानी से तो परेशान है, और पीने के पानी का क्या? मैम घर पे पानी तो बहुत कम आता जितना इस कीचड़ पे जमा हो जाता है इस बारिश में पानी। अच्छा, घर पर पानी कितने देर के लिए आता है? घर पे पानी 2 से 3 घंटे के लिए आता है, साफ पानी आता है। उसमें देखना भी पड़ता है कि साफ आ रहा है या गंदा आ रहा है, अगर जो साफ आता तो ज़्यादा भर लेते, नहीं तो पानी का भी सामना हमें करना पड़ता है, उसका भी दिक्कत होता है। जी, टैंकर से पानी आता है, सिर्फ नल के पानी से काम चल जाता है, टैंकर भी आता है, या फिर नल का पानी पर्याप्त नहीं है तो टैंकर आना पड़ता है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ आज तक कोई टैंकर नहीं आया, और सप्लाई के पानी से गुजारा करते, अगर जो सप्लाई के पानी नहीं आता तो पास में यहाँ पियाऊ, हम पियाऊ से लाके अपना काम चला लेते हैं। अच्छा, मतलब अगर नल का पानी नहीं आ रहा तो टैंकर नहीं आता? जी टैंकर कोई नहीं आता, ये पास में पियाऊ है, जो पियाऊ के सहायते हम रह रहे हैं यहाँ पे। इलेक्शन के टाइम पर जो नेता आते हैं, आपने कभी उनको बताया ये सारी दिक्कत? जी नहीं, हम रेहड़ी पटरी वाले पे नेता थोड़ी हम पे इतना विचार करेंगे। दिल पर नेता आप ही के लिए हैं। और आप बताएं कि जब यहाँ पे ग्राहक आते हैं तो इस कीचड़ की वजह से उनको किस तरह की परेशानी आती होगी? मैं खास करके मैं ये देख रहा हूँ कि अगर जो कोटला में बारिश हो जाता है तो दूर दूर तक के जो है पास के लोग भी कीचड़ में आना पसंद नहीं करते। अच्छा। अगर जो घर में सब्जी नहीं होता तो सूखी रूखी बना के खा लेते, मगर इस कीचड़ में आना पसंद नहीं करते। मतलब कीचड़ के मार से आदमी भूखे रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कीचड़ बारिश में? मैम उनके घर में जो भी अपना गुजारा कर लेते, पास में सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में आप जाके अभी देख लीजिए तो सब पे सब्जी भरी पड़ी होगी, शायद कल की सब्जी आज बेच रहे हैं लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो कल की सब्जी आज बेच रहे हैं कीचड़ की वजह से। जी बहुत बहुत शुक्रिया।